इस मौसम में ताज़े और मीठे आम आना शुरू हो चुके हैं और इस गर्मी में रिफ्रेशिंग ड्रिंक जैसे फ्रूटी मजा स्लाइस पीना सभी को अच्छा लगता है। सिर्फ दो आम से 1.5 लीटर बिल्कुल मार्केट जैसी फ्रूटी बनाकर तैयार करेंगे और मैं आपको एक टिप भी दूंगी जिससे ये ड्रिंक 20 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और घर पर हमने इसे बिना केमिकल आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर और प्रिजर्वेटिव के बनाया है, तो बनाते हैं इसे। अच्छा सुनिए, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे व्यंजन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी इंडियन फूड रजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ 2 आम से 1.5 लीटर मैंगो जूस बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल फ्रूटी माजा और स्लाइस जैसे मार्केट की ड्रिंक की तरह, तो चलते हैं किचन में। मैंगो जूस बनाने के लिए हमने 2 मीठे वाले पके हुए आम लिए हैं। आप कोई सा भी पका हुआ आम ले सकते हैं और इसके साथ हमने 1 कच्चा आम भी लिया है। आम का रेशियो 2:1 होना चाहिए। अब हम इसे छीलकर रफली कट कर लेंगे। हमने इसे कट कर लिया। अब एक ग्राइंडर जार में दोनों आम के कटे हुए पीसेज ऐड करेंगे और ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए इसके लिए हम इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड करेंगे। अब लीड लगाकर इसे स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। इसका स्मूथ पल्प बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक कढ़ाही या पैन में आम के पीसे हुए पल्प को डालेंगे और जार को धोकर थोड़ा सा पानी भी लेंगे। अब हम इसमें 200 ग्राम चीनी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते हुए पका लेंगे। अगर आपका आम कम मीठा है तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बट आम ज़्यादा मीठा हुआ तो चीनी की क्वांटिटी घटा भी सकते हैं। इसमें अच्छे से उबाल आने तक मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक कुक करेंगे। 5 मिनट बाद अब आम के पल्प में अच्छा साइन आ चुका है, ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है। इस स्टेज पर ड्रिंक का सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम नींबू का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम इसे स्टोर करके कुछ दिनों तक रख सकते हैं। 1/2 नींबू के रस को हम पल्प में ऐड कर लेंगे। इसके जगह आप व्हाइट विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। फिर एक बाउल में स्टेनर के हेल्प से हम पल्प को छान लेंगे जिससे जब हम ड्रिंक पियेंगे तो इसके चंक्स या रेसे नहीं आएंगे। सारा पल्प निकल चुका है। अब पैन में 1 गिलास पानी डालकर ले लेंगे। लास्ट में थोड़ा सा आम का फाइबर बच गया है और ये हमारा आम का पल्प बनकर तैयार है। इस ड्रिंक का कलर हमारे आम पर डिपेंड करता है। अगर आम अच्छा पीला हुआ तो ड्रिंक का कलर भी अच्छा आएगा, बट मार्केट की ड्रिंक इतनी थिक नहीं होती, तो हम इसमें 1 लीटर ठंडा पानी ऐड करेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्रूटी या माजा की तरह है। इसे फ्रिज में रखकर 1 घंटे के लिए चिल कर लेंगे। 1 घंटे बाद इसे फ्रिज से बाहर निकालेंगे। होममेड मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार है। सर्व करने के लिए इसे 1 सर्विंग जार में भरेंगे। और ठंडा ठंडा हेल्दी मैंगो ड्रिंक ग्लासेज में सर्व करेंगे। अब ये पीने के लिए रेडी है। आप इसे अपने फेवरेट स्नैक के साथ इंजॉय कर सकते हैं और स्टोर करके 15 से 20 दिनों तक रख भी सकते हैं।
तो आप भी बनाइए, पीजिए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फ्यूजन के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। नीचे दिए गए सर्कल पर अभी क्लिक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर आपको मेरी और दो मज़ेदार रेसिपी दिख रही होगी। आपको जो भी पसंद है उस पर क्लिक करें। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।